नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना, आईसीसी एकेडमी अबोट से जी। आज हम लोग जी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसका ये पेपर नंबर 2 आपके सामने लेकर के आए हैं जी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपको जी इंग्लिश के पेपर में भी आएंगे, हिंदी के पेपर में भी आएंगे और पंजाबी के पेपर में भी आएंगे जी। तो इसलिए जी मैं कोशिश करूँगा इसमें साथ साथ आपको इंग्लिश के वर्ड भी बताता जाऊं, ताकि आपकी जो है जी एनर्जी सेव हो पाए जी और आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए जी। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं जी अवसर के अनुसार बदल जाने वाला जी, जिसको हम बोल देते हैं अवसर यानी मौका। हम कई लोगों को देखते हैं जी जो अवसर के अकॉर्डिंगली या मौके के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं अवसरवादी, जिसके लिए हमारे पास जी इंग्लिश में वर्ड क्या है जी, अपॉर्चुनिस्ट। हमें पता है जी अवसर की इंग्लिश क्या होती है जी, अपॉर्चुनिटी, और वहां से वर्ड क्या बन गया जी, अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट क्या होता है, जो कि मौके का फायदा उठाता है जी। सेकंड वर्ड दे रखे हमारे पास जी अभिनय करने वाला, अभिनय यानी कि एक्टिंग करने वाला, जिसको हम बोल देते हैं जी अभिनेता यानी कि एक्टर। और अगर हम लेडी की बात करें जी, अभिनय करने वाली स्त्री जो होती है जी, उसको क्या बोल देते हैं जी, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के स्पेलिंग जरूर चेक कीजिए जी, बड़े स्टूडेंट को इसके स्पेलिंग नहीं आते होते। थर्ड हम देख रहे हैं जी अपना हित चाहने वाला जी, जो हमेशा जी अपने फायदे की बात सोचता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थी यानी के सेल्फिश। बड़ा कॉमन वर्ड है ये, आते होगा सभी को। चौथा वर्ड है ये अपने देश से प्रेम करने वाला जी, देश से प्रेम करने वाला क्या होता है, देशभक्त, या फिर एक वर्ड यूज कर देते हैं देश प्रेमी। इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है जी पेट्रियट। पेट्रियट क्या होता है जी, जो देशभक्त है, और इसके ऑपोजिट जिसको हम बोल देते हैं गद्दार। गद्दार को ही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ट्रेटर। तो ये इसका जी एंटोनिम हो गया जी। पांचवा वर्ड देख रहे हैं जी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कई लोगों की आप देखते हो जी आदत होती है, छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। बड़ा फेमस वर्ड है जी, आपने जी जब पीटेट की तैयारी की होगी तो पीटेट की तैयारी में भी ये वर्ड बड़ा यूज होता है जी। इंग्लिश में क्या वर्ड यूज बोलते हैं इसके लिए जी, हाइपरबोले, HYPERBOLE, हाइपरबोल भी बोल देते हैं, हाइपरबोली जी। ये इंग्लिश में एक और वर्ड आता है हमारे पास जी, एग्जाजरेट। एग्जाजरेट जी, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना जी। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ जी, कोई आपसे बात करता है, या कह लो कोई अपने मित्र से बात करता है भी, मेरे को कुछ पैसे उधार चाहिए। आगे से जवाब क्या मिलता है जी, आ जाओ जी आपके लिए तो बैंक हाजिर है। इट मीन्स बात को बोझ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया जी। या आप किसी से बात करते हो भी, क्या दूध है आपके पास, वो कहते ही यहाँ पे तो दूध की नदियां बहती हैं। तो ये क्या है जी, बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। सिक्स्थ है जी किसी प्राणी को न मारना। न मारना यानी के अहिंसा जी, इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं, नॉन वायलेंस जी। महात्मा गांधी की पॉलिसी आपको पता है ये, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस जी। वैसे जी इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड और यूज कर देते हैं हम लोग जी, अहिंसा ही वर्ड है जी, लेकिन यहाँ पे एम से लिखा जाता है, अहिंसा। और जो किसी को मार देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिंसक जी, वायलेंट। सातवां वर्ड है जी किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला जी, जिसको हम लोग उत्तराधिकारी बोल देते हैं। जैसे कि हमारा सिस्टम है जी, हम जानते हैं पिता के बाद जी संपत्ति किसके पास जाती है जी, पुत्र के पास जी, या आजकल जो है जी पुत्रियों के पास भी जाती है। तो वो क्या होते हैं, उनके ही उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, हेयर। जैसे जी बाबर का हेयर कौन था, हुमायूं, और हुमायूं का हेयर कौन था, अकबर। आठवां वर्ड देखेंगे जी
चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, भूभाग यानी भूमि का वो हिस्सा जी जिसके चारों तरफ पानी पानी है, ये मान लो जी भूमि का एक हिस्सा है और इसके चारों तरफ जी इस तरफ पानी ही पानी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं जी, टापू। या फिर एक और वर्ड आता है हिंदी में हमारे पास जी, द्वीप। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जी आइलैंड, बहुत स्टूडेंट तो इसको इजलैंड भी पढ़ते हैं जी, आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जी। और जो भूभाग जी तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो तीन तरफ से, उसको क्या बोलते हैं जी, प्रायद्वीप। इंडिया जो है जी एक प्रायद्वीप है जी, इंडिया आप देखते हो जी नीचे से इस तरीके से बना हुआ है, इस तरफ जी अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे हिंद महासागर है जी, तो इंडिया के तीन तरफ पानी है, तो इंडिया क्या है, एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप यानी क्या होता है जी, पेनिनसुला। से देख लीजिए जी, ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, जो थ्री साइड से सराउंडेड बाय वाटर है उसको पेनिनसुला बोलते हैं, एंड ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स उसको हम क्या बोलते हैं जी, आइलैंड यानी द्वीप या फिर टापू। या पे जी एक वर्ड आप और याद कर लीजिए जी, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है जी, आर्किपिलेगो। आर्किपिलेगो द्वीपों के समूह को कहा जाता है जी, जैसे हम देखते हैं जी अंडमान निकोबार जो है जी वो इस तरीके से बना हुआ है जी, यहाँ पे लगभग जी 350 के करीब टापू बताए जाते हैं जी, तो ये द्वीप एक नहीं है, ये द्वीपों का समूह है, इसको क्या बोलेंगे, आर्किपिलेगो। जैसे श्रीलंका एक द्वीप है जी, श्रीलंका आपने देखा होगा मैप में कुछ इस तरीके से बनाया होता है जी। यहां पे एक पॉइंट और आपको मैं क्लियर कर देता हूं जी, जो द्वीपों का समूह होता है जी उसके साथ द भी लगता है जी, यानी द अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, लेकिन अकेले टापू के साथ दा नहीं लगता, अकेले टापू हो गया जैसे श्रीलंका, इसके साथ दा नहीं लगेगा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के साथ भी दा नहीं लगेगा। तो ये नौ वर्ड देखेंगे हम लोग जी, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, मितभाषी। मित जो वर्ड है जी ये कम के लिए आता है, जो कम खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, मित व्ययी। मित किसको शो करते हैं, कम को। इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास वर्ड है जी रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या है जी, वन हु स्पीक्स लेस, वन हु स्पीक्स लेस, या फिर रिजर्व्ड भी वर्ड यूज कर देते हैं, कोई कम बोलता है हम कहते हैं रिजर्व ही रहते हैं अपने आप में, ज्यादा किसी से बात नहीं करता जी। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें जी, ज्यादा बोलने वाला जो है जी उसको हम क्या बोलेंगे, जो ज्यादा बोलने वाला है जी उसको क्या बोलते हैं, टॉकेटिव। टॉकेटिव या फिर वर्ड है जी गैरुलस, या फिर एक और वर्ड यूज कर देते हैं जी वर्बोस, ये जी आपको विरोधी शब्द में भी काम आएंगे और वन वर्ड में भी काम आएंगे जी। टेंथ देखेंगे जी, जिस स्त्री के कभी संतान न हुई हो, जिस स्त्री के कभी संतान न हुई उसको क्या बोलते हैं, वंद्या या फिर बांझ, वर्ड आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है जी, जो भूमि जहां पे कोई उपज ना उसको क्या बोल देते हैं, बंजर। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड क्या है जी, बैरन। बैरन क्या होते हैं, जो बेसिकली इनफर्टाइल हो, जहां पे कोई उपज वगैरह ना हो जी, तो वो चाहे जगह है चाहे वो लेडी है दोनों के लिए यूज कर देते हैं, या फिर एक और वर्ड यूज कर देते हैं स्टराइल जी। नेक्स्ट आ गया जी 11th वन, जिस पर विश्वास न किया जा सके जी, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय यानी इनक्रेडिबल, और जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं वो क्या होता है जी, क्रेडिबल। बारवा देखे जी, पति के छोटे भाई की पत्नी जी या छोटे भाई की स्त्री जी, देवरानी। हिंदी में जी हम लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं जी, पति का छोटा भाई है तो देवर है, उसकी पत्नी है देवरानी, पति का बड़ा भाई है तो उसको जेठ बोल देते हैं जी, और उसकी वाइफ को क्या बोल देते हैं, जेठानी। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास जो वर्ड है जी वो एक ही है जी,
चाहे देवरानी है चाहे जेठानी है जी, वर्ड है हमारे पास जी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मैं आपको एक बड़े सिंपल वे से बताता हूँ जी, मैरिज के बाद आप आपको पता ही है जी, जो अंग्रेजों का सिस्टम है वो कोर्ट मैरिज करते हैं, यानी इन लॉ, लॉ की निगाह में वो सारे रिश्तेदार बने हैं जो आपके पैरलर हैं जी। अगर वो जेंट्स हैं तो ब्रदर इन लॉ, अगर वो लेडीज़ हैं तो सिस्टर इन लॉ। चाहे वो देवरानी है, जेठानी है, ननद है, उसके लिए सभी के लिए क्या वर्ड है जी, सिस्टर इन लॉ। अगर जी जीजे की इंग्लिश पूछी जाए तो ब्रदर इन लॉ, साले की इंग्लिश पूछी जाए तो भी ब्रदर इन लॉ, जेठ की इंग्लिश या देवर की इंग्लिश पूछी जाए तो भी ब्रदर इन लॉ जी। 13th वर्ड देखेंगे जी, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। रात को जब बच्चों को सुलाना होता है तो हम अक्सर सुनते हैं जी लोरी सुनाई जाती है जी। जो लोरी है जी तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुलेबी। द सॉन्ग विच इज संग टू मेक द चिल्ड्रन स्लीप, लुलेबी। 14 नंबर देखेंगे जी, सबको प्रिय लगने वाला, जो सबको प्रिय लगता हो, सबके मन को भाता हो जी, सर्वप्रिय या फिर लोकप्रिय भी बोल देते हैं हम लोग जी, पॉपुलर। पंद्रह है जी, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं जी, क्या बोलते हैं उस जगह को जी, क्षितिज। पहाड़ी एरिया की तरफ हम कभी जाते हैं तो अक्सर ऐसे लगता है वहां पे हमें भी, वहां पे एक तरफ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड है जी, होराइजन। जहां पे ऐसे लगता है दूर से अगर हम देखते हैं तो धरती और आकाश क्या है जी, मिलते हुए नजर आते हैं। 16 नंबर देखेंगे जी, जिस लड़के का विवाह नया हुआ हो, यानी जो लड़का कुंवारा हो जी, क्या बोलते हैं उसको जी, कुमार। और लड़की को क्या बोलते हैं जी, कुमारी। इंग्लिश में जी वर्ड है हमारे पास जी, बैचलर। और लड़की के लिए यूज करते हैं हम लोग जी, स्पिनस्टर। लड़के के लिए वर्ड है जी बैचलर, और लड़की के लिए वर्ड क्या है जी, स्पिनस्टर। 17 नंबर देख रहे हैं जी, जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे क्षमा न किया जा सके जी, अक्षम्य। कई अपराध ऐसे होते हैं जी जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता, यानी अक्षम्य अपराध की कैटेगरी में आते हैं वो जी, इनएक्सक्यूजेबल, जिसको हम लोग किसी हालत में एक्सक्यूज नहीं कर सकते जी। कुछ एक छोटी मोटी गलती होती है जिसको माफ भी किया जा सकता है जी, जिसको क्षमा भी कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं जी, एक्सक्यूजेबल, यानी क्षम्य। क्षम्य जो हो गया जी एक्सक्यूजेबल, अक्षम्य जो हो गया वो क्या है जी, इनएक्सक्यूजेबल। 18 नंबर देख रहे हैं जी, जो व्रत मरने पर ही समाप्त हो जी, अमरन व्रत जी। हम लोग जी फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं या कई बार कोई किताब वगैरह पढ़ रहे उसमें पढ़ते हैं जी, भी उसने जी अमरन व्रत रख लिया, मतलब जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती उसने व्रत नहीं खोलना जी, तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है जी। ये बेसिकली परंपरा जो है जी ये जैन धर्म में प्रचलित है, और इसके लिए वर्ड आता है संथार। संथार या फिर एक और वर्ड आता है सलेखना। ये जी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक तो ये आ जाता है जो ये जैन धर्म में व्रत रख के जी अपने प्राण त्यागते हैं, उस प्रथा को क्या कहा जाता है, संथार या फिर सलेखना। एक क्वेश्चन और आ जाता है जी, किसी ऐसे राजा का नाम बताइए जिसने इस प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे जी, वो कौन था जी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण इसी तरीके से त्यागे थे जी। कहां पे जी, कर्नाटका में। कर्नाटका में एक जगह है जी शरवण बेलगोला, जहां पे उसने अपने प्राण त्यागे थे जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। 19 नंबर देख रहे हैं जी, रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान, जहां पे जी रोगियों की चिकित्सा की जाती है जी, चिकित्सालय है। चिकित्सालय जी जिसको हम लोग हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं जी। हॉस्पिटल वर्ड जो है जी स्टूडेंट को कॉमन लगता है, चिकित्सालय वगैरह जो है जी उनको लगता है कभी सुना ही नहीं हुआ जी।
इसके बारे में एक जोक भी आता है, ये आपने सुना होगा भी। एक बार कोई केरला की तरफ से कोई इधर पंजाब की तरफ आ गया जी, तो केरला वालों को जी हिंदी नहीं आती, वो लोग इंग्लिश वगैरह में बात करते हैं जी, लेकिन अगर उनको हिंदी आती है तो वो बड़े शुद्ध शब्द आते हैं जी। तो उनको तो उसको पता था जी यहाँ के लोगों को जी इंग्लिश कम आती है। तो यहाँ पे जी रिक्शा वाले से वो बात करने लगा, कहते हैं कि आप चिकित्सालय चलेंगे? अब चिकित्सालय जी अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता, तो रिक्शा वाले बेचारे को क्या पता होगा। वो कहते हैं मेरे को समझ नहीं आई। कहते कि आप चिकित्सालय चलेंगे? कहते मेरे को अभी भी समझ नहीं आई। तब उसने केरला वाले ने बोला जी क्या आप हॉस्पिटल चलेंगे? कहते फिर हिंदी में नहीं आप बात कर सकते जी। मतलब हॉस्पिटल जो है जी लोगों को ये लगता है भी हिंदी का वर्ड है, चिकित्सालय जिन्होंने नहीं सुना हो जो तो पढ़ाई से संबंधित है उनको तो पता होता है। एनीवे जी 20th वर्ड देख रहे हैं जी, कम खर्च करने वाला। कम के लिए मैंने आपको बताया था ये मित्त वर्ड आता है, मित्त व्ययी, जो कि कम खर्च करता है यानी इकोनॉमिकल, लोग जिसको जी कंजूस भी बोल देते हैं। या फिर एक वर्ड आता है स्टिंजी, और इसका ऑपोजिट अगर हम बात करें जी अधिक खर्च करने वाला क्या होता है जी, एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट जी जो ज्यादा खर्च करो जी, जो ज्यादा खर्च करे। या फिर हम बोल देते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट ज्यादा खर्च करने वाला, ये एक वर्ड यूज कर देते हैं लेविश। लेविश एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या बोल देते हैं उड़ाऊ, उड़ाने वाला जी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जी प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी। थैंक यू जी।